नमस्कार, न्यूज़ पीआर में आपका स्वागत है। मैं हूँ रूपम सिंह। आज बिहार के पूर्व मंत्री श्याम रजक पत्रकारों से रूबरू हुए और उस दौरान उन्होंने सरकार पर बिजली आपूर्ति को लेकर निशाना साधते हुए विवादित बयान दे दिया है। क्या कुछ उन्होंने इस विषय में कहा है, ये आप भी देखें। माननीय तेजस्वी यादव जी ने बड़ी सही बात कहा है। शायद उनको नहीं मालूम है जो लोग बोल रहे हैं। कोई आदमी अपनी माँ को नहीं बेचता है, और एनडीए सरकार से नीतीश कुमार जी ने जो कांटी और बरौनी, जो हमारा अपना थर्मल पावर था, इसको इन्होंने एनटीपीसी के हाथों में बेच दिया। यानी कि जो निर्माण करता थे, जो हमारा थर्मल जो माँ का रूप है, वो माँ को बेच कर करके और मौसी से खरीद रहे हैं बिजली। ये ऐसे लोग हैं जो अपना धन बेच करके, अपनी संपत्ति बेच कर करके और गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। ऐसे निकम्मे औलाद ही इस तरह का हरकत कर सकते हैं। हमारा कांटे बरौनी इतना धीरे धीरे अच्छा हो रहा था। हमने यहाँ पर ग्रिड बनाया था, ये 400/210 ग्रिड जो है संपचक में, वो किनके समय बनाया गया है? ये यूपीए सरकार, लालू जी की सरकार, राबड़ी देवी की सरकार, और मैं उसे बिजली मंत्री था उस समय, ये बना है। और यहीं से पूरे बिहार में बिजली जाती थी, और दर्जनों ग्रिड स्टेशन बने और सैकड़ों सब स्टेशन बने। उस समय बिजली हमको नहीं मिलता था भारत सरकार से। जो हमारा ईआरईसी है, ईस्टर्न रीजन इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन, उसका हिस्सेदारी होती थी बिहार को, झारखंड को, कलकत्ता को और एनटीपीसी को। सारे बिजली एक जगह इकट्ठा होता था, हमारा हिस्सा होता था, वो नहीं मिलता था। इसके बावजूद हम लोगों को बिजली दे पाते थे, और उससे भी हमको कहा जाता था कि आप अपने थर्मल पावर को बेच दीजिए। हमने नहीं बेचने का काम किया, इन लोगों ने बेच दिया। अब ये बिजली खरीद रहे हैं, अब बाहर से बिजली खरीद रहे हैं बड़े निजी से क्षेत्रों से। तो बिजली जब खरीद रहे हैं तो बड़े दाम पर, किस पर आफत पड़ रहा है? आम लोगों पर आफत पड़ रहा है। और आज भी कोयले के अभाव में देश का थर्मल पावर बंद हो रहा है। ये सब साजिश है। ये साजिश है कि अंबानी का जो परमाणु ऊर्जा बिजली घर है, उसके बिजली को कैसे खपत कराया जाए जो महंगा होगा। अब देश की जनता को काफ़ी महंगा, जो अभी बिजली का दर है, उसे सैकड़ों गुना ज़्यादा बिजली का रेट देना होगा। ये है स्थिति। और हम लोगों ने बनाया था गांव गांव तक, हम लोगों ने ग्रामीण विद्युतीकरण का काम हम लोगों ने शुरू किया था। बिजली का काम एक दिन में नहीं होता, हम लोगों ने शुरू किया, उसी का ये अपना श्रेय ले रहे हैं। इनसे पूछे ना कि कब से काम शुरू हुआ था और कब ख़त्म होने को था। तो जैसा कि आपने देखा कि श्याम रजक ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि किस तरह से सरकार अपनी मां को बेचकर मौसी से बिजली की आपूर्ति करता है। तो ऐसे ही न्यूज़ के साथ बने रहिए, न्यूज़ पीआर के साथ। धन्यवाद।